जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीसीएच यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2021-22 के लिए कि 2021-22 में एडमिशन की जो प्रक्रिया है सीसीएच यूनिवर्सिटी की, वो किस तरीके से रहने वाली है। उसमें फिर चाहे वो कोई भी कोर्स है, चाहे वो आपका LLM है, BEd है, BBA है, BCA है, BA है, BSc है, MA है, MCOM है, कोई भी कोर्स है, तो सभी कोर्सेज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि 2021 में एडमिशन किस तरीके से होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो से आप सेटिस्फाई होते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है, सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज के जो एडमिशन है वो मेरिट के बेस पे होते हैं, कुछ कोर्सेज के एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होते हैं, और एक दो कोर्स के एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के बेस पे होते हैं। तो अब कौन कौन से कोर्सेज आपके मेरिट के बेस पे एडमिशन होते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहने वाली है, पहले हम उस पर बात करते हैं। तो साथियों, यदि हम बात करें जो हमारे मेरिट के बेस पे एडमिशन होते हैं, वो उसके जो एडमिशन है वो आपका BA है, BSc है, BCOM है, BBA है, BCA है, यानी कि ये जो सब सारे कोर्सेज हैं, इनके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन करती है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने पर हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसमें यदि जैसे हमने बीए के लिए अप्लाई किया है, तो बीए के लिए हमारा 10th 12th की मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और फोटो, तो उससे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि हम किसी कास्ट में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो उसका हमारा कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद में फिर हमारी मेरिट बनती है। मेरिट के बेस पे आपको यूनिवर्सिटी कैंपस या फिर आपको कॉलेजों में एडमिशन मिलते हैं। उसके बाद में यदि हम जो बात करें, ये तो हो गया हमारा जो मेरिट के बेस पे एडमिशन होते हैं, उनमें जो मैंने आपको कोर्सेज बता दिए, चाहे वो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीबीए, बीसीए, तो ये सब सारे कोर्सेज बता दिए हैं। इसके बाद में जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें आप डायरेक्ट भी जाके इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो डायरेक्ट अपने रजिस्ट्रेशन करके और डायरेक्ट कॉलेज को लॉक कर देते हैं। जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, वहां पर जाकर इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन होते हैं, जैसे हमारा एमएड है, एलएलएम है, आपका एमएड है, बीपीएड है, तो यानी कि इन कोर्सेज में जो एडमिशन होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, वो होता है एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे। यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आपने नहीं भरा है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि चार कोर्सेज हैं, जैसे आपका एलएलएम है, एमएड है, बीपीएड है और एमपीएड है, तो इन चारों कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब बच्चे कहेंगे, सर एंट्रेंस एग्जाम कब निकलते हैं? तो साथियों, एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो ओपन है इन चारों कोर्सेज के लिए, और उसकी जो लास्ट डेट है 10 जुलाई तक इनकी लास्ट डेट है। तो 10 जुलाई तक आप अपने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के बाद में फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में फिर आपकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये होगी इनकी एडमिशन की प्रक्रिया। इसके बाद में हम बात करें जो हमारा कुछ कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया काउंसलिंग के बेस पे, जैसे हमारा बीएड है, तो बीएड में आपका पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में फिर क्या होती है, काउंसलिंग होती है, फिर काउंसलिंग के थ्रू हमारा क्या होता है, एडमिशन होता है। अब बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर इस बार जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट करा दिए जाएंगे? तो साथियों, सभी बोर्ड के जो हमारे रिजल्ट हैं वो लगभग जुलाई में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, मैक्सिमम जो बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो आपके जुलाई में आ जाएंगे। तो इसलिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करने का सारी प्रक्रिया तैयार कर ली है, यानी कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है जुलाई में स्टार्ट करा दी जाएगी, यानी कि जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा दिए जाएंगे। तो जुलाई से आप अपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें जो हमारे पीजी वाले कोर्सेज हैं, जैसे हमको पीजी करना है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, हो सकता है वो अगस्त में स्टार्ट की जाए प्रक्रिया, क्योंकि आपका अगस्त में रिजल्ट आएगा पीजी कोर्सेज का। और साथ ही यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सक्षम स्कॉलरशिप का, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट से अलग होती है, तो उस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पर आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन याद रखिएगा जो स्कॉलरशिप मिलती है ये उन्हीं बच्चों को मिलती है जो इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, फिर चाहे आपका कोई भी कोर्स है, यूजी का, पीजी का, या फिर आपका बीएड है, या आपका एलएलबी है, फिर चाहे वो आपका कोई भी कोर्स है। तो साथियों, यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है एडमिशन को लेकर, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर यस और वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।